आज हम इस वीडियो में प्राकृतिक दृश्य के बारे में बात करेंगे, प्राकृतिक दृश्य बनाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक दृश्य परीक्षा में आता है और सबसे ज़्यादा अंकों का यही रहता है। पहला प्रश्न में यही रहता है, जो कि 45 नंबर का ये अकेला ही रहता है, इसलिए इसको देख लेंगे। पहले इसमें घर बनाएंगे, इस तरह से बना लेंगे। ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंकों का यही रहता है, और यदि इसमें थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं तो इसमें नंबर भी बहुत अच्छा मिल जाता है। सीनरी को अच्छा से थोड़ा बनाएंगे और कलर बढ़िया से कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और नंबर भी बहुत बहुत बढ़िया मिल जाता है इसमें। और इसको हम तो इस वीडियो में सिर्फ शेड करके बता रहे हैं, पेंसिल से शेड करके बता रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको पेंसिल से नहीं, ये मतलब पेंसिल से बनाने के बाद फिर कलर से शेड करेंगे, कहने का मतलब कलर करना है इसको, ठीक है। कलर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हम इस वीडियो में कलर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पेंसिल से बना रहे हैं, पेंसिल से शेड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग कलर से करेंगे, कलर ले लेंगे, इसके बाद उसी से बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी पूर्वक बढ़िया से बनाएंगे। और इसमें अगर बढ़िया से बना देंगे तो काफ़ी अंक मिल जाता है, क्योंकि ये पहला प्रश्न जो होता है, ये एक ही प्रश्न, सिर्फ एक ही चित्र 45 नंबर का रहता है, तो अच्छा से बनाएंगे तो अधिकतम अंक अर्जित कर पाएंगे, ये हमारा विश्वास है। तो देखिए इसी तरह से बनाएंगे। प्राकृतिक दृश्य में आप कल्पना करके भी बना सकते हैं, मतलब कोई इसमें निश्चित नहीं रहता है कि जो बुक में है वही बनाना है, इसमें आप कल्पना करेंगे, लेकिन प्रश्न के हिसाब से, जो प्रश्न में दिया रहेगा, जो प्रश्न में पूछा है उसी के हिसाब से कल्पना करेंगे। ये नहीं कि प्रश्न में कुछ दूसरा दिया है और आप कल्पना कर रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, ऐसा नहीं। आप कल्पना करके बनाएंगे, अपने मन से बनाएंगे, लेकिन प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न में जो दिया है उसी के अनुरूप बनाना होगा, ठीक है। उसी के हिसाब से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और आप कोशिश करिए कि ये आकर्षक लगे देखने में, बढ़िया से बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में और नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे। नदी बनाने के बाद इसमें नाव का चित्र ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि नाव अगर बना देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सुंदरता बढ़ा देता है। और कोई भी सीनरी बना रहे हैं, कोई भी प्राकृतिक दृश्य बना रहे हैं, तो उसमें झोपड़ी बहुत आवश्यक है, झोपड़ी ज़रूर बनाएंगे, घर ज़रूर बनाएंगे। अगर शहर का दृश्य दे रहा है, शहर का दृश्य बनाने के लिए दे रहा है, तो उसमें झोपड़ी नहीं बनाएंगे, चल जाएगा। लेकिन अगर ग्रामीण दृश्य दिया है बनाने के लिए, तो उसमें झोपड़ी अनिवार्य रूप से बनाना ही होगा, ठीक है। इसके बाद झोपड़ी के पास से ही एक तालाब या नदी का दृश्य बनाएंगे, जैसे जिस तरह से इसमें हम बना रहे हैं। इसमें देखिए पानी का दृश्य सब बना रहे हैं, अभी ये जल देखने में लग रहा है, जल है, ठीक है। इसी तरह से आप भी कलर करेंगे, जिससे कि देखने में जल लगे, नदी बना रहे हैं तो नदी जैसा लगे, ठीक है। तो देखिए इसमें ऊपर दो घास उगी हुई है, जो जिसकी छाया नीचे दिखाई दे रही है, क्योंकि जल साफ एकदम दिखाई दे रहा है, और नाव के नीचे देख रहे हैं परछाई दिख रही है। इसी तरह से आप लोग भी बनाएंगे, देखिए इस तरह से सब बनाएंगे। इसके बाद इसमें तो हम सिर्फ पेंसिल्स बना रहे हैं, लेकिन आप लोग कलर करेंगे इसको, कलर अगर करेंगे तो और बढ़िया लगेगा। ये जो वो पानी का दृश्य है, कलर से करेंगे, नीला कलर मिक्स करके करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ये हमारा विश्वास है कि बहुत अच्छा बनाएंगे आप लोग।
और सीनरी में एक चीज़ और बनाना नहीं भूलेंगे, ये जो ऊपर पेड़ बना रहे हैं हम, ये पेड़ है नारियल का पेड़ बोलते हैं इसको, और ताड़ का पेड़ भी बना सकते हैं, लेकिन नारियल का पेड़ ये जो बना देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सीनरी बहुत अच्छा लगने लगता है। देखिए जिस तरह से बना रहे हैं, बनने के बाद अभी देखेंगे आप लोग, लेकिन हम सिर्फ पेंसिल से बना रहे हैं, पेंसिल से बनाने के बाद फिर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग अगर इसको कलर करके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और आप लोग अधिकतम अंक अर्जित कर पाएंगे, ये विश्वास है मेरा। देखिए इसी तरह से बनाएंगे, इसी तरह से सब बना लेंगे, और चित्रकला में चित्र बनाने के बाद शेड अगर बढ़िया से कर रहे हैं तो चित्र बहुत अच्छा लगेगा, देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बहुत अच्छा सेट करना जानते हैं तो आप लोग अधिकतम अंक पा जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग बहुत अच्छा से बना रहे हैं और शेड नहीं कर पा रहे हैं और कलर नहीं कर पा रहे हैं तो नंबर कम हो जाता है नंबर, क्योंकि देखने में अच्छा ही नहीं लगेगा तो नंबर कहाँ से मिलेगा। इसलिए सेट भी बनाने के साथ साथ सेट भी बहुत अच्छा से करिएगा, और सीनरी जो है, सीनरी मतलब प्राकृतिक दृश्य जो है, इसको तो कलर ही करेंगे, और बहुत, क्योंकि डायरेक्ट परीक्षा में अगर कलर करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कलर आप लोग घर पर भी कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-4 बार 6 बार, जब तक अच्छा न बने तब तक बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार कलर करेंगे और बार बार बनाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा जाएंगे।